नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 दिसंबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। दौसा जिले के लालसोर थाना क्षेत्र के सवासा गांव में एक डंपर ने बाइक सवार प्रिंसिपल को कुचल दिया। हादसे में प्रिंसिपल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि शव पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस डंपर चालक की तलाश कर रही है। मृतक की पहचान शहर की भट्ट कॉलोनी निवासी प्रिंसिपल बाबूलाल मीना के रूप में हुई है। अलवर जिले के बहादुरपुर में बदमाश पंजाब नेशनल बैंक की एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए। एटीएम मशीन में करीब 4,50,000 रुपए थे। इस दौरान बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे के उपकरण तक भी ले गए। बहादुरपुर में पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम जिस दुकान में लगा है उसका शटर बंद था। बदमाशों ने पहले दुकान का शटर काटा और फिर एटीएम में रस्सी और अन्य लोहे का जुगाड़ लगाकर खींच ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दौसा जिले के गाजीपुर में अलाप ताप रहे 3 लोगों को एक ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद रात भर ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक हिंडौन से महवा की तरफ जा रहा था। गाजीपुर टोल प्लाजा से करीब 100 मीटर पहले लगाए गए SI टोल नाके पर 3 लोग अलाप ताप रहे थे। इसी दौरान आए एक बेकाबू ट्रक ने इन 3 लोगों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। सूचना मिलने के बाद महवा व सलेमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की। काफी देर की समझाइश के बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। एक बार फिर RAS भर्ती परीक्षा 2018 अटक गई है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। बता दें कि 7 दिसंबर से भर्ती के लिए इंटरव्यू शुरू होने थे। हाईकोर्ट के जस्टिस SP शर्मा की अदालत ने इंटरव्यू पर 10 दिसंबर तक रोक लगाई है। यह रोक अमित शर्मा व अन्य की याचिका पर लगाई गई है। याचिकाओं में भूतपूर्व सैनिक व DC कैटेगरी में अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन को चुनौती दी गई थी। झुंझुनू जिले के गुड्डा गौरजी थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे 37 पर बजावा स्टैंड के पास एक बाइक सवार ने 4 साल के मासूम को टक्कर मार दी। हादसे में मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि सीथल गांव का मासूम सुमित सड़क पार कर रहा था। उसी दौरान अज्ञात बाइक ने सुमित को टक्कर मार दी। बाइक चालक घटनास्थल से बाइक लेकर भाग गया। पुलिस बाइक चालक की तलाश कर रही है। अलवर CGST एंटी इवेजन इकाई ने देर रात कार्रवाई करते हुए 4 बोगस फर्मों के संचालक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी की CGST आयुक्तालय अलवर में गिरफ्तारी हुई। आरोपी को शुक्रवार को आर्थिक अपराध न्यायालय में पेश किया गया। GST के वरिष्ठ लोक अभियोजक RN यादव ने बताया कि अश्विनी कुमार बगपतिया उर्फ गोलू बगपतिया आरोपी है। वह भरतपुर की नई मंडी का व्यापारी है। उसने 4 फर्जी फर्मों के माध्यम से 119 करोड़ का कारोबार किया और 7 करोड़ 9 लाख की फर्जी ITC का दावा किया। विभिन्न व्यापारियों को आरोपी ने 6 करोड़ 5 लाख की फर्जी ITC जारी कर दी। वहीं बगपतिया के सहयोगी अभिषेक सिंगल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अभिषेक फिलहाल CGST अधिकारियों की पकड़ से दूर है। वहीं एक अन्य सहयोगी पंकज गर्ग की ITC के फर्जीवाड़े में गिरफ्तारी हो चुकी है। अदालत ने आरोपी अश्विनी कुमार को 17 दिसंबर तक JC के आदेश दिए हैं। कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान शातिर बदमाशों ने जयपुर में किराए का कमरा लेकर नकली नोट छापने की मशीन ही लगा ली। आरोपियों के कब्जे से करीब 15 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया शातिर मुबारक खान झुंझुनू जिले के टाई गांव का रहने वाला है। मामले का खुलासा तब हुआ जब सीकर शहर के दादिया थाना पुलिस ने एक टैक्सी में जाने वाले 3 लोगों की जाँच की तो उनके पास 10 लाख रुपए की नकदी मिली। पुलिस ने नकदी के बारे में पूछताछ की और जाँचा तो सभी नोट नकली मिले। इसके बाद पुलिस ने नकदी के साथ पकड़े गए युवकों से पूछताछ की तो उनकी निशानदेही पर गिरोह से जुड़े 3 लोग आसिफ मेजर खां और भीलवाड़ा निवासी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। शातिर मुबारक खान झुंझुनू का रहने वाला है। वहीं एक अन्य रफीक मंडवा का रहने वाला है। उदयपुर जिले के हिरणमगरी थाना पुलिस ने PNB बैंक के कर्मचारियों को ATM से पैसे चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बैंक कर्मी अमित ने अपने साथी के साथ मिलकर PNB बैंक के ATM से करीब 24 लाख रुपए की नकदी पार कर ली थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र में विवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात को चार आरोपियों ने अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि थाना के क्षेत्र के फलसावटा गांव में यह घटना हुई। विवाहिता ससुराल से अपने पीहर जा रही थी कि चार आरोपियों से जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर जंगल में ले गए और वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने विवाहिता का अश्लील वीडियो भी बना लिया। पीड़ित विवाहिता ने एसपी के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी जाँच शुरू कर दी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में परीक्षा टाइम टेबल जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार परीक्षा से वंचित रहे छात्रों के लिए यह टाइम टेबल जारी किया गया है। इसके अनुसार 16 दिसंबर से 9 जनवरी तक एग्जाम होंगे। यह परीक्षा करीब 700 छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है। यह रेगुलर और प्राइवेट छात्रों के लिए अंतिम मौका है। वहीं अभी भी लॉ और बीएड के छात्रों को परीक्षा के लिए इंतजार करना होगा। नागौर जिले के पिलवा थाना पुलिस ने पर्वतसर के गांव जगदीशपुरा में दीपावली पर एक घर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 26 नवंबर को जगदीशपुरा निवासी महिला संपत कंवर के यहां दीपावली के दिन गहने चोरी हो गए थे। यह गहने उसकी बेटी मंगेश कंवर के थे। संपत ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, जिसमें कहा गया था कि बेटे प्रताप ने दोस्त पांचूराम सैलुदान के साथ मिलकर घर में रखे बेटी के गहने चुरा लिए थे। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले मुकेश और अशोक सुराणा सहित बेटे प्रताप दान और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने डकैती की साजिश रचते 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक देसी कट्टा, एक रिवॉल्वर, 4 धारदार चाकू और चोरी की 4 बाइक बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी मस्ती, शराब पार्टी और हथियारों के बल पर प्रभाव दिखाने के लिए अपराध करते थे। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुरताक पुलिया के नीचे की तरफ 5 से 6 आदमी बैठे हैं, जो किसी पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने के बारे में बात कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में विनोद उर्फ पकौड़ा, गोलू, अंकित, महावीर, सुरेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।